हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो यार आ चुके एक और निकमल फेस वीडियो के साथ, और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही कमाल के ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन में डायनेमिक आइसलैंड को यूज़ कर पाएंगे। जी हाँ, जो नया आईफोन लॉन्च हुआ है, जिसके अंदर जो डायनेमिक आइसलैंड का फीचर दिया गया है, वो आप अब अपने फ़ोन में भी यूज़ कर पाएंगे। तो इसमें आपको काफ़ी सारे मल्टीपल फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसकी मदद से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोटिफिकेशन को चैनलाइज कर सकते हैं, या फिर कॉल भी आएगी तो वो भी आपको यहीं पर दिखाई देगी। तो काफ़ी ऑसम लगता है। तो किस तरीके से आपको इसे करना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, लेकिन केवल एप्लीकेशन देखने के बाद ही मत भाग जाना, आप इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको सारी सारी चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको इसे यूज़ करना है, वरना आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो सबसे पहले आप जैसे ही अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ऑफ होगी आपके फ़ोन में, तो आपको इसे ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर जितनी भी परमिशंस को मैं अलाउ कर रहा हूँ, वो सारी की सारी आपको अलाउ कर देनी है। तो मैं आपको यहाँ पर देखिए जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। तो सिंपली आपको इस पर टिक करना है, और यहाँ पर आपको कुछ वार्निंग वगैरह आएगी, तो आपको उसे इग्नोर करना है, और जैसे ये टाइमर पूरा हो जाता है तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डायनामिक आइसलैंड शॉर्टकट पर क्लिक करना है, उसको भी आपको एक्टिवेट कर देना है। जैसे आप इसे एक्टिवेट कर देते हैं, फिर आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे डिस्प्ले का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आपका जो कैमरा है वो ऊपर नीचे या फिर कहीं पर भी हो, साइड में हो या फिर बीच में हो, तो आप उसे यहाँ पर सेट कर पाएंगे। अगर बीच में है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको वापस आ जाना है। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है, आपको इसे भी ऑन कर देना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो डायनेमिक आइसलैंड वाला एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको इसे एक्टिवेट करना होगा। तो उसके बाद ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी हम इसको ओके पर क्लिक कर देंगे, और जैसे हम ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वापस से हमें बैक आ जाना है। बैक आने के बाद थोड़ा और बैक आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपकी जो सेटिंग्स है वो सारी सारी हो चुकी हैं। अब मैं आपको यहाँ पर जो कुछ फीचर्स हैं इसके वो दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो हम इस एक एक करके यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद, तो स्क्रीनशॉट को हटा देता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपने फ़ोन को ऑफ़ भी कर पाएंगे अपने डायनेमिक आइसलैंड के मदद से ही, और ऑफ़ करने का फीचर यहाँ पर मिल गया। अब हम यहाँ पर थोड़े से नोटिफिकेशन वगैरह देख लेते हैं कि किस तरीके से आते हैं, ठीक तरीके से आ रहे हैं या फिर नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ऑसम तरीके से यहाँ पर जो नोटिफिकेशन बार है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो मैं दूसरे फ़ोन से अपने व्हाट्सअप के मदद से यहाँ पर मैसेज भेज रहा हूँ, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से आपके फ़ोन में ये शो होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगता है। और अगर कोई आपके फ़ोन को देखेगा तो एक अलग ही एक्सपीरियंस उसको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आकर आप अपना मैसेज देख सकते हैं कि कौन सा मैसेज आया है, और आप रिसेंट मैसेज भी देख पाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो रिसेंट मैसेज आया है वो दिख जाएगा, और टोटल जितने मैसेज होंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे, चाहे वो व्हाट्सअप के हो या फिर कोई सा भी नोटिफिकेशन हो, वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कॉल को भी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने दूसरे फ़ोन से कॉल लगा कर देख लिया है। तो जैसे ही आप कॉल को ऊपर कर देंगे तो आपको यहाँ पर ये शो हो जाएगा, और अगर आपने कॉल को ब्लॉक करके रखा होगा, मतलब नोटिफिकेशन बार से ब्लॉक करके रखा होगा, तो आपको केवल ये डायनेमिक आइसलैंड में ही दिखाई देगी। तो आप जैसे ही टैप करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी, और अगर आप दोबारा से टैप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डायनेमिक आइसलैंड में चली जाएगी जो नोटिफिकेशन होगा। तो यहाँ पर अगर आप अपनी कॉल को पिक नहीं कर पाते तो आप अपने डायनेमिक आइसलैंड की मदद से ही अपने नोटिफिकेशन को देख पाएंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।